अगर मैं टोटल 100% का आंकड़ा लेती हूँ तो उसमें से 60% ऐसे होंगे जो ये कहते हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं इतना स्मार्ट हूं, मेरी हर चीज जो मैं करती हूं वो परफेक्शन से होती है, और मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें सबसे बेहतर मैं हूं। और 40% लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार सबसे बेकार मैं हूं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? देखिए, अगर मैं कहूं तो मैं दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं आती। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि मैं दुनिया में सबसे बेहतर हूं, मुझे सब आता है। जिस दिन आपने ये सोच लिया, इट मींस उस दिन आपका सीखने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। और अगर आपने अपनी लर्निंग प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, इट मींस आपकी ग्रोथ भी है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जब आपकी खुद की ग्रोथ ही रुक गई तो आप किसी दूसरे को क्या सिखाने वाले हैं? और दूसरी कैटेगरी जो ये हमेशा ये रोना रोती रहती है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी काबिल नहीं हूं, मैं तो लाइफ में किसी चीज में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, मैंने कुछ अचीव नहीं किया, ऐसे लोग भी बेकार हैं, क्योंकि वो पहले ही हथियार डाल चुके हैं कि हमें ना कुछ आता ना हम कुछ सीख सकते, किसी चीज का कोई आउटकम जो है हमने कभी अचीव नहीं किया। यानी उनके अंदर की सीखने की ललक मर गई है। तो दोनों कैटेगरी एकदम आपके भविष्य को बर्बाद कर देंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैम यू आर द बेस्ट, तो उन सब लोगों के लिए थैंक यू, बट आई एम नॉट द बेस्ट। मैंने जो कुछ सीखा है वो इस यूट्यूब से सीखा है, मैं कह रही हूं। मेरे पास जो स्किल्स थी उनकी तारीफ मेरे आसपास के टीचर्स हमेशा करते थे, जो मेरे पढ़ाने के तरीके थे उनके सब लोग मतलब उस चीज को अप्रिशिएट करके चलते थे। तब मुझे लगा कि ये चीजें मुझे बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करनी चाहिए, चाहे शायद इससे दूसरों का भला हो जाए। बट मैं फिर भी इतनी ज्यादा स्किल्ड नहीं थी, मैं कहूंगी। जिस वक्त मैं यूट्यूब पे आई, मैंने अपनी चीजें शेयर करनी शुरू की और दूसरों की चीजें देखनी शुरू करी, तब मुझे समझ में आया परफेक्शन किसका नाम होता है। यानी देश और दुनिया में आपसे अच्छे पता नहीं कितने धुरंधर हैं जो आपके आसपास हैं, और आपको तैयार रहना है हर वक्त उनसे सीखने के लिए, चाहे वो व्यक्ति आपसे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। कब कौन आपको क्या सिखा जाए, उस चीज को सिखाने के लिए अपने हाथ हमेशा फैला के रखिए। तब आप लोग ये कह सकते हैं कि हाँ मैं ग्रेट बनने के प्रोसेस में हूं, बट मैं ग्रेट हूं और मैं सबसे ग्रेट हूं, ये जो वर्ड्स हैं अपनी डिक्शनरी में बिल्कुल मत लाइए। स्पेशली टीचर्स, अगर आप टीचर्स हैं तो इन वर्ड्स को मत लाइए, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट में मुझे महारत हासिल है, तब आप कभी अच्छे टीचर नहीं बन सकते। एक मीडियोकर ही बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को अपनी बात सिखा सकता है, क्योंकि एक बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट पर्सन जो हमेशा 95-98% वाला होता है ना, उसे चीजें बहुत अच्छे से बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, उसने चीजों को समझने के लिए स्ट्रगल नहीं किया होता। तो जब वो चीजों को प्रेजेंट करता है अपने स्टूडेंट्स के सामने, तो उसका जो आउटकम होता है उसे लगता है बस ऐसे जो मैंने समझाया और मेरे बच्चों को जो है वो समझ में आ जाएगी। बट एक स्ट्रगलिंग पर्सन जिसने देखा हो, जिसने अपनी लर्निंग स्टेज में सारी चीजों को फेस किया हो, वो जानता है, उन क्लास में अपने आप को खड़े कर लेता है। जब एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा होता है ना अपनी चीजें, तो तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है जब उस क्लास के 40 स्टूडेंट्स के बीच भी वो अपने आप को अज्यूम कर रहा हो कि मैं वहां भी बैठा हूं। अगर मेरा टीचर मुझे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा होगा तो मुझे कहां दिक्कत आएगी? अगर मैं ह्यूमन बॉडी के बारे में सीख रहा हूं तो मेरा टीचर मुझे समझा रहा है, तो मैं कैसे सीख पाऊंगा अगर मेरे टीचर ने उस चीज को मुझे सिर्फ लेक्चर मेथड से रेंडर कर दिया? अगर मैं अपने बच्चों को एडिशन सिखा रही हूं और मैं ये नहीं बता पा रही कि रियल लाइफ में एडिशन का यूज क्या है, तो कैसे मेरे बच्चे उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे? मेरा काम सिर्फ उन्हें ओरली बताने से खत्म नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे एडिशन आता है, मुझे सब्ट्रैक्शन आता है, मुझे मैथ्स जिस क्लास को मैं पढ़ाती हूं उसकी पूरी बुक रटी पड़ी है। आपको रटी हुई है, बट आपके स्टूडेंट जो है वो उनके लिए बिल्कुल न्यू है। हर क्लास में जब स्टूडेंट आता है तो टीचर एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि भाई उस टीचर को तो सब आता है, ठीक है, वो पिछले 8 साल 10 साल से पढ़ा रहा होता है, बहुत दक्ष होता है, बहुत निपुण होता है अपने सब्जेक्ट में। बट जब वो स्टूडेंट उस क्लास में आता है तो उसकी प्रीवियस नॉलेज को भी आधी उसमें से, आधी क्या मैं तो कह रही हूं, सिर्फ 20-30% नेक्स्ट क्लास में लेके बच्चे पहुंचते हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो पिछली क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो, ये भी तुम लोगों ने पढ़ लिया है, ये तो तुम्हें आता होगा, चलो हम ये सिखाते हैं। वही गलती कर बैठता है टीचर, यही सोचने में कि इन बच्चों को ये तो आता होगा, चाहे वो आपकी क्लास का टॉपर है।
तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना है कि एक टीचर के रूप में अगर आप अपने आप को पहले एक लर्नर बना लेते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं आई एम नॉट द बेस्ट, इवन मैं बेस्ट भी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा लर्नर हूं, मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूं, छोटे छोटे अचीवमेंट ही सही बट मुझे समय समय पर मिलते रहते हैं, उसके लिए आपको खुश होना होगा। ये प्रक्रिया जब आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपका टीचिंग जो कैरियर है वो तो अच्छा होता ही होता है, बाकी सोशली भी आप एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बनके समाज के सामने प्रेजेंट होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये सुझाव आपको समझ में आए होंगे, ये स्टोरी जो है, ये राय जो है मेरी आप लोगों तक पहुंच पाई होगी, मैं अपने आप को आपसे कनेक्ट कर पाई होंगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप टीचिंग कम्युनिटी का पार्ट नहीं बने हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।